नमस्कार। ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती विषय का अभ्यास करेंगे। हिंदी सुलभ भारती सुलभ भारती मराठी माध्यम के लिए जिनकी हिंदी भाषा दूसरी लैंग्वेज है पढ़ाने में, पढ़ाई करने में, उनके लिए सुलभ भारती। इस किताब के हम आज कविता पढ़ने जा रहे हैं, गांव शहर। यह कविता किताब में चौथे स्थान पर है। कविता का नाम है गांव शहर। इस कविता के कवि है प्रदीप शुक्ल। इन्होंने यह कविता लिखी है। अभी प्रदीप शुक्ल के बारे में हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म 1967 में हुआ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यह प्रदीप शुक्ल जी हिंदी कविता के प्रति इनको विशिष्ट श्रद्धा है और आप कविता के रूप में, मतलब शुक्ल जी कविता के रूप में एक साधना उनकी रहती है, मतलब उनकी कविता एक साधना के रूप में वो कविता को देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपी रहती है। यह प्रमुख उनके जो साहित्य है हिंदी का, वह जो प्रसिद्ध है उसमें अम्मा रहती गांव में यह नवनीत संग्रह और गुल्लू का गांव बाल गीत संग्रह उनका बहुत ही प्रसिद्ध है, आदि ऐसे बहुत सारी कविताएं उनकी इस संग्रह से प्रसिद्ध है। इस कविता के बारे में अगर आपको बताऊं तो कवि को गांव शहर यह कविता लिखने के लिए ऐसे उनके मन में कौन से विचार आए, क्या लगा उनको कि यह कविता क्यों लिखे? तो यह कविता शुक्ल जी ने गांव और शहर का जो दर्द है, जो समस्या है, उसका कथित वर्णन इस कविता में किया है। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि शहर में इतनी भीड़ भाड़ और गांव में पूरा गांव खाली खाली। आजकल गांव में जाए तो बुजुर्गों के सिवा कोई दिखता ही नहीं गांव में, सब गांव खाली खाली। ऐसे क्यों? ऐसे इस दुखी मन से उनको यह कविता सूझी है और उन्होंने उसका लेखन किया है। तो हम इस गांव के, मतलब इस प्रकार का गांव और ये शहर का शहरीकरण, इस बड़े ही मार्मिक ढंग से उन्होंने इस कविता में जो वर्णन किया है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो हम पहले कविता के जो बोल है, वर्ड है, शब्द है, वो हम पढ़ेंगे, देखते हैं। देखिए, कविता पहले पढ़ेंगे। गांव शहर, कविता छोटी ही है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन उसके शब्द जो है बहुत सूझे बूझे है, बहुत ही सूझे बूझे शब्द है, समझ में आते हैं। ऐसी ये छोटी सी बहुत अच्छी प्यारी सी कविता है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखिए, बदला बदला सा मौसम है, जैसे मौसम बदलता है वैसा बदला बदला सा मौसम है, बदले
से लगते है सूर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरा है, शहर ठसा ठस भरा हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमे सूर, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमे सूर। दीदा फाड़े शहर देखा, देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, इधर शहर में सारा आलम, आंख खुली बस दौड़ रहा, आंख खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो स्टेशन, वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से, उनकी बात सुनी है जब से, दिल करता धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, सूरत गए कमाने। गेहूं के खेत में लेकिन, गेहूं के खेत में लेकिन दिल्ली गई घमाने। लंगड़ा कर चलती गैया, लंगड़ा कर चलती गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। यह जो कवि के बोल है, इस कविता को हम समझ लेते हैं। यह कविता जो हमें प्रदीप शुक्ल जी ने हमारे किताब में उनकी तरफ से मिली है, वो बहुत ही अच्छी है और ये बहुत प्यारी कविता है। तो हम अभी इसका पठन कर चुके हैं। अभी कविता के जो वर्ड है उसके बारे में हम धीरे धीरे जानकारी लेंगे कि कवि को इससे हमें क्या बताना है। देखिए, शहर आप तस्वीर में देख रहे हैं, शहर आंखें फाड़ देख रहा है, गांव टुकुर टुकुर मतलब एक नजर से चिंतामय रूप से एक ही दिशा में देख रहा है कि जाने आगे क्या होगा, जाने आगे क्या होगा, इस गांव का क्या होगा। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। जब भी मौसम बदलता है तब सब, देखिए वातावरण में सब सूर बदल जाते हैं। बारिश का मौसम हो तो हवा बहने लगती है, सूरज की किरणें हमें दिखाई नहीं देती है, थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है। जैसे ऐसे मौसम बदलता है वैसे वातावरण, मतलब जिस गांव में अगर लोग नहीं रहेंगे वो गांव कैसे दिखाई देगा। जब हम किसी गांव में एंट्री करेंगे, गांव में जाएंगे, तो हमें जो गांव का बीचों बीच का माहौल रहता है, पीपल का पेड़ रहता है, वहां बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ये सब उतना दिखाई देता है। कहीं काम खेती खलियान में हमारे जो किसान रहते हैं वो काम करते दिखाई देते। लेकिन अभी जो नौजवान है, जो नौजवान किसान है, वो गांव में खेती करने के लिए रुके कहाँ है? वो सब काम ढूंढने के लिए क्या कर रहे, गांव में नहीं है, अभी गांव में नहीं है, तो गांव कैसे दिखेगा। मतलब बदला बदला सा मौसम, बदले से लगते सूर, मतलब गांव लगता है क्या ऐसे हालात में? नहीं, गांव जैसा गांव नहीं लगेगा। तो शहर के बारे में सोचेंगे, शहर कैसे खचाखच भरा है, जहां देखो, जब जहां जाओ वहां लोग ही लोग, यहां जाओ लोग, वहां जाओ लोग, मतलब खाली ऐसी जगह ही नहीं मिलती हमें। जहां जाओ वहां भीड़, यहां जाओ कतार, वहां जाओ कतार, वहां जाओ कतार, मतलब हमें स्टेशन पे जाए कतार में खड़े रहो, मार्केट में जाए कतार में खड़े रहो, कुछ दुकान में जाइए खरीदारी के लिए कतार में खड़े रहो, मतलब ये भीड़ शहर में, इतने लोग मतलब बहुत ज्यादा, और गांव में कोई नहीं। तो दीदा फाड़े, दीदा का मतलब जो रहता है, ये जो हमारे शब्द है वो हमें बाद में अपनी कॉपी में लिखने हैं।
तो इसको शब्द वाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द वाटिका। अभी पहला शब्द जो है हमारा दीदा, क्या शब्द है? दीदा। दीदा का मतलब होता है आंखें। दीदा का मतलब है आंखें। बाद में ये सब हमें लिखना है। दीदा का मतलब है आंख। दीदा फाड़े शहर देखता, मतलब आंख फाड़ फाड़ के शहर देखते हैं। शहर में इतने लोग हैं, अरे बाप रे कहां से आ गई इतनी भीड़। और गांव देखता टुकुर टुकुर। टुकुर टुकुर का मतलब क्या होता है? टुकुर टुकुर मतलब चिंताजनक नजरों से एक ही दिशा में देखना, चिंतामय होकर एक ही दिशा में देखना, उसे कहते हैं टुकुर टुकुर। आगे दूसरी पंक्तियों में देखेंगे कवि क्या कहते हैं। तिल रखने की जगह नहीं है। तिल मालूम है ना आपको सबको? तिल के गुड़ लड्डू हम मकर संक्रांति में खाते हैं। वो तिल मतलब कितनी छोटी रहती है, कितनी छोटी सी जगह रखते हैं। तो कवि वो तिल से शहर के लोगों की क्या करते हैं कल्पना, मतलब उनके साथ करते हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए, मतलब जैसे हम किसी हमारी किसी जार में या किसी डिब्बे में कुछ चीजें भरते हैं, उसमें जगह नहीं होते हुए भी हम क्या करते हैं, उसमें दबा दबा के ठूस ठूस के भरते हैं। और एक ठसा ठस का मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। आप शहर में कभी रेलवे स्टेशन पे गए हैं क्या? सुबह के टाइम पे जो ट्रेन आती है ना, आपने देखा डिब्बे में कैसे आदमी लोग लोग भरते हैं? अरे जो चढ़ने के लिए जगह नहीं रहती, फिर भी धक्का मार मार के जोर जोर से अंदर घुसना चाहते, मतलब तभी ये वर्ड एकदम सही बैठता है, ठसा ठस। शहर ठसा ठस भरे हुए, मतलब वो ट्रेन भी ठसा ठस भर के आगे जाती है। तो ये शहर के लिए सबकी दौड़ है, गांव के लिए नहीं। गांव में कोई रुकना ही नहीं चाहता है, क्या बात है। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। पीपल का पेड़ देखा है गांव में? वहां पे देखते हैं पीपल के सारे पत्ते झरे, मतलब गिर जा रहे हैं सारे पत्ते, क्योंकि गांव में देखने के लिए कोई नहीं। देखिए ये जो पेड़ वगैरह रहते हैं ना, इसमें भी जान रहती है। अगर हम हमारे घर के आंगन में गमलों में अगर पेड़ लगाएंगे, प्यार से उनको पानी डालेंगे, उनको खाद डालेंगे, तो हमारे वो गमले के जो रहते हैं पौधे इतने हरे भरे रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। वैसे गांव के पेड़ भी, अगर गांव में लोग रहेंगे तो पेड़ों को भी जान रहती है, उनको वो भी सोचते हैं कि हमारे लिए कोई तो है, हमारे छांव में कोई आके बैठता है तो हमें इनके लिए क्या करना है, फूलना है, हरे हरे पत्ते लाना है। लेकिन पेड़ भी क्या हो गए, अभी सारे पत्ते उनके झड़ने लगे। दूसरी पंक्तियों में हमारे कवि क्या कहते हैं देखेंगे। मेट्रो के खंबे के नीचे, अभी शहर का यह उन्होंने वर्णन किया है। शहर में जो मेट्रो चलती है, ट्रेन चलती है, उसके जो खंबे रहते हैं, कितनी छोटी जगह रहती है, लेकिन शहर में इतने लोग आने लगे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी वो मेट्रो के खंभों के नीचे रात गुजारते। परमेश्वर, राज गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब होता है ईश्वर। परमेश्वर ईश्वर नामक व्यक्ति, उसका नाम व्यक्ति के नाम से इसे लिखा है परमेश्वर। मतलब ये उत्तर प्रदेश के कवि है, तो उनका हम लोग मराठी में परमेश्वर, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के नामक यह शब्द प्रयोग किया गया है। दीदा फाड़े शहर देखता, दीदा फाड़े शहर देखता, गाव देखता टुकुर टुकुर। मतलब दीदा फाड़े शहर देख रहा है आग फाड़ फाड़ के कि इतने लोग आ रहे, और गांव में
चिंताजनक से टुकुर टुकुर देख रहा है। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा। आलम का मतलब है दुनिया, आलम का मतलब है दुनिया। आंख खुली बस दौड़ रहा। वहां रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। शहर में क्या होता है, सुबह आंख ना खुले लोग क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मतलब काम में भागम भाग उनकी चालू रहती है। ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, जा रहे जाए वहां भीड़। आप चित्र में भी देख रहे हैं कि स्टेशन पर कितनी भीड़ है, और वहां रेडियो पर स्टेशन, मतलब वहां रेडियो पर स्टेशन जो रेडियो स्टेशन मालूम है ना, 93.5 FM वगैरह हम लोग सुनते हैं रेडियो, वैसा रामदीन जो है गांव का रामदीन, वो रेडियो स्टेशन पर जोह रहा है। मतलब जोह रहा का आंसर होता है प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ तो उसको सुनना है। रामदीन रेडियो स्टेशन पर कुछ तो सुन रहा है, वो प्रतीक्षा कर रहा है सुनने की। जब वो रेडियो पे कोई बात सुनता है तभी उसका दिल करने लगता है धुकुर पुकुर। मतलब डर के मारे वो क्या होता है, धुकुर पुकुर मतलब होता है वो डर जाता है और उसके हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं। डर के मारे वो थोड़ा नाराज भी हो जाता है। आगे कवि कहते, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया नामक व्यक्ति है जो गांव में रहती है, उसके दो लड़के दो बेटे हैं, दोनों बड़े हैं लेकिन गांव में रुके नहीं है। कैसे रहता है नौजवानों में, अपना दोस्त शहर कमाने के लिए चला गया तो उनका मन नहीं लगता, और शहर से क्या रहता है, जल्दी पैसा मिलता है, तुरंत पैसा मिलता है, इसलिए लोग शहर की तरफ भागते हैं। और गांव में खेती में क्या रहता है, तुरंत पैसा नहीं रहता है, 4 महीने 6 महीने मेहनत करो, अनाज बो, फिर वो अनाज आने के बाद में बाजार में जाके बेचो, उसके बाद में पैसा आता है। मतलब एक बार हम खेती करेंगे तो 4, 6, 8, 10 महीने के बाद में पैसा मिलता है, तो इसलिए खेती में उनका मन नहीं लगता है, दोस्त भी नहीं है गांव में। तो उसके ये सुरसतिया के दोनों बेटे कहाँ गए, सूरत शहर में कमाने के लिए चले गए। उनकी गेहूं की खेती, गेहूं के खेतों में लेकिन उनकी गेहूं की खेती है और वो ऐसे ही अभी बंजर पड़ी है, उसमें गिल्ली लगी घमाने, गिल्ली लगी घमाने। गिल्ली का मतलब रहता है गिलहरी, जिसे मराठी में कहते हैं खारुताई। तो घमाना मतलब धूप खाना। वो अभी बंजर जमीन पे वो इधर उधर भागेगी और धूप खाएगी। लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खुर। गांव में लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खुर, मतलब चल चल के सड़कों पर उसके जो खुर, खुर का मतलब होता है जानवरों के नाखून, खुर का मतलब होता है जानवरों के नाखून, वो क्या हो गए, पूरे घस गए। तो कभी ऐसे कहते हैं, ये सड़क पर चलने से, सड़क पर चल चल के उनके अभी खुर क्या हो गए, पूरे नष्ट हो गए। दीदा फाड़े शहर देखता,
गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। ऐसे ही जो हमारी कविता के बोल है, यह कवि ने अपनी जो व्यथा है, चिंता है, इस कविता के माध्यम से हमारी ओर पहुंचाई है। हमें सोचना है, हमें अभी इसके बारे में क्या करना है, हमें सोचना है, हमें अभी इसके बारे में क्या करना चाहिए। हमें शहर की आबादी बढ़ानी चाहिए क्या, गांव में यह फिर से गांव की तरफ भेजनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये आप तो आगे की पीढ़ी है, तो इसके लिए हमें सोच के ये चलना चाहिए कि गांव की तरफ भी हमें विकास होना चाहिए। जो सुविधाएं शहर में मिलती है, वही सुविधाएं अगर हम गांव की तरफ पहुंचा दे, गांव की तरफ बढ़ा दे, तो वहां से जो आने वाले कमाने के लिए शहर की तरफ लोग है, वही थोड़ा बहुत असर हो सकता है। और शहर की तरफ जितनी आबादी लगती उतनी रहे और गांव की तरफ जितनी रहे उतनी, तो हमें क्या उसका समतोल हम क्या बना कर रख सकते हैं। इसलिए ये जो चिंता कवि की है, यह चिंता को लेकर उन्होंने क्या किया है, यह हमें कविता इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हमने हमारी तरफ हमारी तक पहुंची है, हमने आज इसे पढ़ा है और इसे हमें और भी जानना है। जब भी कोई कविता हम पढ़ते हैं, जानते हैं, इसके बारे में अगर हमें उसके जो शब्द हमारे अंतर मन में रहे, तो हमें यह कविता को कंठस्थ करनी चाहिए। कविता को कंठस्थ करेंगे तो कंठस्थ कैसे होगी, और इसे पढ़ते पढ़ते कंठस्थ थोड़ी होगी। अगर मैं यह कविता पढ़ती ही रहूंगी तो होगी क्या कंठस्थ। ऐसे पढ़ूंगी, बदला बदला सा मौसम है, बदले बदले से लगते हैं सूर, दिदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमें थोड़ा सा रिदम में, लय में क्या करना चाहिए, गाना चाहिए। तो आपको गाना पसंद है, तो हम यह कविता का भी थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंगिंग करेंगे, गाएंगे इसको, कविता को थोड़ा सुरमय करेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर, तिल रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठठास भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, दिल करता है धुकुर पुकुर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने,
गेहूं के खेतों में लेकिन बिल्ली लगी घमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन बिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती हैं गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। समझ में आई? अभी इस कविता के बारे में हम थोड़ा सा आज क्या पढ़े हैं यह जानने के लिए थोड़ा आपको यह मालूम तो होना चाहिए इस कविता में आखिर क्या लिखा है, मतलब गांव शहर। इस कविता में हमें ये इतने शब्द मिले हैं, यह शब्द हमें हमारी काफी में लिखने हैं, इनके अर्थ भी वहां लिखने हैं। तो हम इनके अर्थ लिखें तो आपके लिए वह आसान हो जाएगा। दीदा का मतलब होता है आंख, टुकुर टुकुर मतलब एक ही दिशा में देखना, ठसा ठस का मतलब होता है बहुत, मतलब खाली जगह न रखना। परमेश्वर मतलब व्यक्ति का नाम। आलम का मतलब होता है दुनिया, आलम का मतलब होता है दुनिया जगत। जो हो रहा मतलब प्रतीक्षा करना। दुकुर पुकुर का मतलब डर के मारे कांपना। गिल्ली मतलब गिलहरी। जिसे हम मराठी में खारुताई कहते हैं। घमाना मतलब धूप खाना। घमाना का मतलब होता है धूप खाना। खूर का मतलब है जानवरों के नाखून। अभी इस पद्य में कवि ऐसे भी कहते हैं, अगर हमें कोई संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमें हमारे गांव में ही हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हमें गांव में अगर कोई भी लोग हमारे गांव आते हैं, मतलब बाहर से देखिए, परदेश से कोई, परदेश के जो मंत्री रहते हैं वो आते हैं, या कोई परदेशी छात्रा है हमारे देश में पढ़ाई करने आते हैं, तो हमारी जो संस्कृति जो देखने के लिए आते हैं, तो पहले गांव में ही जाते हैं। हमारा भारत देश का गांव कैसा है, वहां का रहन सहन कैसा है, वहां का खान पान कैसा है, वहां के लोग कैसे मनोरंजनात्मक क्या क्या गीत गाते हैं, वहां के भगवान के गीत कौन से है, वहां का नृत्य प्रकार कौन सा है, यह सब उनके जो त्योहार मनाने के, हमारा भारत देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। हर एक राज्य में जाएंगे तो वहां की पूरी माहौल, उस राज्य का माहौल अलग रहता है। इसीलिए विविधताओं से भरा हुआ हमारा जो भारत देश है, यह देखने के लिए यह उसकी शुरुआत हमारे गांव के देश के गांव में से, देहातों से होती है। तो इसलिए बच्चों, हमें हमारा गांव कैसे बचा के रखना चाहिए, और हमारे हमें इस दुनिया के
जो रेस है, जो सफलता की ओर बढ़ने वाली रेस है, उसमें टिकने के लिए शहर भी उतने ही जरूरी है। तो दोनों का समतोल हमें रखना है। इसी तरह की यह हमें हमारी यह कविता आज यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको मैं यही बोलूंगी कि आप गांव और शहर इन दोनों के बारे में अपने अपने विचार हमें आप लिख के जो चैट बॉक्स रहता है ना उसमें जरूर भेजिए कि गांव की आपके मन में जो होने वाली जो बातें रहती है वो चैट बॉक्स द्वारा आप हमें भेज सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का पाठ तो यही खत्म हो गया। हम अभी आपको हमारा जो ये पाठ है आज की कविता का, आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और हमें हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। यह पाठ आपके समझ में आया हो या ना आया हो तो इस पाठ को बार बार देखिए और हम अगले बार दूसरी वीडियो के लिए हम आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।